अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ केक रस, जो बच्चों बड़ों सबका फेवरेट है। आप इसको बना के स्टोर कर लें और जब आपका दिल करे आप चाय बनाएं इसके साथ सर्व कर लें। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बाउल में सबसे पहले 100 ग्राम बटर डालेंगे। बटर को आप पहले ही निकाल के रख लें ताकि सॉफ्ट हो जाए और बीट करने में आसानी रहे। आप इसको हैंड मिक्सर के साथ भी बना सकते हैं। बटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 कप पाउडर शुगर ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मक्खन और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें अंडे शामिल करेंगे और बीट कर लेंगे। एक चुटकी जर्दे रंग में 1/2 टीस्पून पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप मैदा और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन दोनों को अच्छी तरह से छान लेना है और इसमें शामिल कर देना है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब स्क्वायर शेप में आप कोई सा भी बर्तन ले लें, चाहे स्टील का ले लें। बेकिंग ट्रे में आपने बटर पेपर लगाना है, उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करना है और मिक्स किया हुआ बैटर इसमें शामिल कर देना है। बाउल को अच्छी तरह से आपने साफ कर लेना है ताकि ज़रा सा भी ज़ाया ना हो, और आपने इसको अच्छी तरह से टैप कर लेना है। और ओवन को आपने 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए प्री हीट करना है, और 180 डिग्री पर ही रख के आपने 35 से 40 मिनट कम से कम इसको बेक करना है, क्योंकि ये हमें थोड़ा हार्ड चाहिए इसलिए हमने इसको ज़्यादा बेक करना है, नहीं तो ये 30 मिनट में बेक हो जाएगा। 40 मिनट इसको मैंने तकरीबन बेक किया है। ये आपके ओवन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में वो बेक करता है। हो सकता है ये 1 घंटे में बेक करे या आधे घंटे में इतना बेक कर दे। कटिंग बोर्ड के ऊपर मैंने बटर पेपर बिछाया है। अब इसके ऊपर केक रखेंगे और इसके ऊपर से बटर पेपर उतार लेंगे। ये कितना ज़बरदस्त बेक हो चुका है। अब आपने इसको छुरी से कट कर लेना है। ये देखिए अभी आपके कितना सॉफ्ट है। अब इसको दोबारा से बेक करेंगे। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसमें बटर पेपर भी छाएंगे। इसमें ऑयल आपने नहीं लगाना। अब जो केक रस के ऊपर कलर नहीं आया वो साइड आपने ऊपर को रखनी है। 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए दोबारा इस साइड को बेक करेंगे। फिर उसके बाद दोबारा निकालेंगे, फिर साइड चेंज करेंगे। जिधर कलर नहीं आया वो साइड ऊपर रखेंगे और उसके बाद इसको दोबारा 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। एक साइड पक चुकी थी, अब दोबारा से साइड चेंज करने, इस साइड पे कलर नहीं आया, इसको दोबारा 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। केक रस रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने हार्ड हो चुके हैं। अब अगर ये थोड़े से अगर आपको सॉफ्ट लगे तो थोड़ी देर आप इसको ऐसे खुला हवा में रख दें, ये खुद ब खुद हार्ड हो जाएंगे। और इसको गर्मा गर्म चाय के साथ आप सर्व करें।
अब ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ और चाय में डिप करके भी दिखाऊंगी कि चाय में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।